कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिंडरई में मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने से गांव के मजदूर वर्ग के चेहरों में मुस्कान खिल उठी है। मनरेगा योजना से बनने वाले इस तालाब में अब उन्हें उनके गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। कोविड-19 की महामारी के चलते ऐसे मजदूर जो बाहरी राज्यों से अपना काम काज छोड़कर घर में ही बेकार बैठे हुए हैं, ऐसे में मनरेगा से निर्मित होने वाले इस तालाब से उन्हें अपने गाँव में ही रोजगार मिल सकेगा। इस संबंध में जब हमारे जिला रिपोर्टर ने ग्राम पंचायत सचिव ब्रजभान गिरी गोस्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि तालाब निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इस कार्य में रोजाना 32 से 33 मजदूर काम कर रहे हैं। तालाब निर्माण के कार्य में मशीनरी का उपयोग न करते हुए ये कार्य मजदूरों से करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तालाब निर्माण कार्य बमहौरी खसरा नंबर 201 क्षेत्रफल 91 हेक्टेयर में प्रगतिशील है और तालाब के निर्माण कार्य में उपयंत्री त्रिपाठी द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हाल ही में तालाब निर्माण की जांच में आई टीम जिसमें हल्का पटवारी भी शामिल रहे, उन्होंने दौरा किया और निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। आपका क्या नाम? किस पद पर है? बच्चे, जो ग्राम पंचायत पिंडरई में तालाब वाला मुद्दा चल रहा है कि जेसीबी से खुदाई हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? कहना है जो है अपनी तकनीकी स्वीकृति, कुछ काम थोड़े मोड़े काम के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रावधान है। कितने परसेंट होगा? परसेंट नहीं है, करीब करीब 12,000 रुपये का उसमें जो है प्रावधान है। एक तालाब मशीन में खर्च कर सकते हैं जे सी बी में। हाँ के सचिव ब्रजमोहन गिरी गोस्वामी, ग्राम पंचायत पिंडरई का सचिव हूँ मैं। इधर क्या है तालाब निर्माण में समस्या? तालाब निर्माण में समस्या ये है कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये फील्ड में तालाब बन रहा है, 70 मीटर इसकी मतलब लंबाई है मेड़ की, जो उपयंत्री त्रिपाठी जी के द्वारा लेआउट दिया गया है वो काम यहाँ पर हो रहा है और ये पटल की खुदाई हुई है, ये साइड में मिट्टी पड़ी हुई है, साफ़ सफाई का काम हुआ है। मनरेगा योजना अंतर्गत यह तालाब स्वीकृत किया गया है और पंचायत की भूमि पर, मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर कराया जा रहा है। नहीं, जैसे जेसीबी की बात आ रही है तो उसका क्या? वो हमारे संज्ञान में नहीं है, हम उसके संबंध में कुछ नहीं बोलना चाहते। किस पटवारी, किस हल्का नंबर के पटवारी? मेरा नाम राजेंद्र कुमार परते है, मैं पटवारी हल्का नंबर पिंडरई का हूँ और मेरे में बमहौरी भी आता है। अच्छा, इधर जो स्पॉट पर पहुँचे किस निरीक्षण के उद्देश्य से पहुँचे? तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार। क्या समस्या इधर हुई? यहाँ पे किसी ने शिकायत किया है कि पंचायत का जो काम चल रहा है नवनिर्माण, उसमें जेसीबी लगा के काम चलाया गया है रविवार के दिन उसकी जांच के लिए। अभी स्पॉट में क्या देख रहे हैं? स्पॉट में तो देख रहे हैं अभी तो काम साफ सफाई हुई है और उधर का कुछ अंश भाग है जिस पे जेसीबी द्वारा काम चलाया गया है, लेकिन पंचायत द्वारा बताया जा रहा है कि वो फॉरेस्ट विभाग ने काम कराया है नहीं। और ठीक रख, वन निरीक्षक से हमारी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि पंचायत के द्वारा काम चलाया जा रहा है। तो अभी जहाँ स्पॉट पे खड़े हैं, तालाब यहाँ निर्माण होना कि उधर होना? तालाब निर्माण अब ये तो सचिव साहब हैं, सरपंच है। सचिव सरपंच जी क्या बोल रहे हैं कि कहाँ तलवा हमारी पटल वहाँ तक है सर, वो उन्हीं के द्वारा जी। सचिव सरपंच जो है आपको वो स्पॉट में क्या बोल रहे हैं कि हम तालाब का निर्माण कहाँ करवा रहे हैं? जहाँ अभी आप अपन लोग खड़े हुए हैं उनके द्वारा यही बताया जा रहा, और आगे जो काम हुआ है अब ये क्लियर नहीं कर रहे हैं किसके संज्ञान में किसके द्वारा काम हुआ। नहीं तो जहाँ पर आप स्पॉट पर खड़े हैं इधर से उसकी दूरी उधर है, तो यहाँ पर जो तालाब निर्माण कराया जा रहा है इधर तो जेसीबी का कोई अंश भाग नहीं दिख रहा इस पे? नहीं है। अच्छा,